प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 2 का 13 से 17 वचन लेकर आई हूँ, मत्ती का बुलाया जाना। तो चलिए भाइयों बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि प्रभु यीशु जिस घड़ी कफरनहूम में सबको चंगा किया करते थे, तब वह वहां अपनी सेवकाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब जब वह अपनी सेवकाई के दौरान झील के किनारे गए, तब सारी भीड़ प्रभु के पीछे हो ली और प्रभु उन्हें उपदेश देने लगे। तब जाते जाते प्रभु ने हलफई के पुत्र लेवी को, अर्थात जिसे मत्ती भी कहा जाता है, उसे वहां प्रभु ने चौकी पर बैठकर चुंगी लेते देखा, चुंगी अर्थात टैक्स वसूलते देखा। वह एक टैक्स कलेक्टर था, अर्थात वह बुरी कमाई इकट्ठा करता था। तब उसे वहां देखकर प्रभु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तब वह अर्थात मत्ती उठकर प्रभु के पीछे हो लिया। यहाँ यह देखें कि किस प्रकार प्रभु के एक बार कहने पर ही मत्ती उठकर प्रभु के पीछे चल दिया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य ही ऐसा है मेरे प्रियो, कि जहाँ वह जाते हैं वहाँ वह हृदयों को और जीवन को बदल देते हैं। उनके वचनों में ही जीवन है। जैसे प्रभु ने अपने मुख से एक बार ही कहा मत्ती से कि मेरे पीछे हो ले, और वह तुरंत उठकर उनके पीछे चल दिया जो उस घड़ी वहां बैठकर टैक्स वसूली का काम कर रहा था, अर्थात बुराई छोड़कर तुरंत अच्छाई के मार्ग पर चलने लगा। क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु आते हैं उस स्थान पर बुराई ठहर ही नहीं सकती। तब आगे जब प्रभु यीशु मत्ती के साथ भोजन करने बैठे, तब वह वहां बहुत से चुंगी लेने वाले तथा पापी मनुष्य भी आकर उनके साथ बैठे, क्योंकि मत्ती का सर्कल ही पापियों व चुंगी लेने वालों के साथ था, इसीलिए वे सबके सब उसके साथ संगति भी करते थे। तो जब प्रभु यीशु उसी एक चुंगी लेने वाले के साथ मिले, तो उसकी पूरी संगति जो उसके साथ रहा करती थी वो भी प्रभु यीशु से आ मिली। अर्थात यहाँ यह समझे मेरे प्रियो, कि जैसे एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वैसे ही एक अच्छी संगति बुरी संगति को सवार भी सकती है। और प्रभु यीशु की संगति तो फिर ऐसी संगति है जो बुरे मनुष्यों को, बुरे वातावरण को बदल कर अच्छा बना देती है। प्रभु जिस स्थान पर आ जाते हैं वह स्थान बदल जाता है, चाहे फिर वह लाख बुराइयों से भरा हुआ ही क्यों ना हो। प्रभु पर बुराई का असर नहीं होता, परंतु बुराई प्रभु यीशु के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि वह पवित्र चाल चलन में चलने वाला महान प्रभु है। इसीलिए वह बुराई पर जीतते हैं सदा। बुराई उन पर नहीं, वह बुराई पर विजयी परमेश्वर है। तब आगे जब शास्त्री फरीसियों ने यह देखा कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है, बैठता उठता है, तब उन्होंने प्रभु के चेलों से कहा कि यह तो पापियों के साथ व चुंगी लेने वालों के साथ संगति कर रहा है, यह कैसा गुरु है तुम्हारा। इस तरह से उन्होंने प्रभु को देखकर बातें बनाई उन पर आरोप लगाने के लिए, क्योंकि वे सदा प्रभु पर आरोप लगाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते थे। तो यह सब भी देखकर उन्होंने प्रभु के चेलों से प्रभु के विषय ऐसा कहा, क्योंकि शास्त्री फरीसी तो अपने व्यवस्था के ज्ञान को ही थामे फिरते थे तथा उनके मन में किसी के भी प्रति कोई दया या करुणा नहीं थी। उनकी दृष्टि में तो चुंगी लेने वाले पापी ही थे तथा उनके साथ उनका संबंध रखना उनकी दृष्टि में पाप था। वह ये ज्ञान ही नहीं रखते थे कि अच्छा चरित्र बुरी संगति को भी बदल सकता है। वह तो उनके साथ संगति करने से भी डरते थे कि कहीं हम भी पापी ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ यह सिद्ध होता है कि शास्त्री फरीसियों को अपनी शिक्षा पर और अपनी धार्मिकता पर शायद विश्वास ही नहीं होगा कि बुरी संगति उन्हें बिगाड़ सकती है, या यदि उन्होंने अपने ज्ञान पर विश्वास अटूट रखा ही नहीं होगा तो वह यह नहीं सोचते थे कि पापियों की संगति नहीं, वह सोचते थे ऐसा कि पापियों की संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि वह ऐसा सोचते थे कि पापियों के साथ बैठकर हम भी कहीं पापी ना हो जाएं। अगर उनको अपनी शिक्षा पर विश्वास होता तो वह सोचते कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को बदल सकती है, जैसा उस घड़ी प्रभु यीशु ने सोचा।
और यह सब जानकर कि शास्त्री फरीसी प्रभु के बारे में यह सब कुछ बोल रहे हैं, प्रभु ने उन्हें उस घड़ी उत्तर दिया कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। क्या सुंदर उत्तर यहाँ वचन के आधार पर प्रभु यीशु ने उन्हें दिया। यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि वैद्य की आवश्यकता बीमारों को ही होती है, भले चंगों को नहीं। इसी प्रकार जो पहले से ही धर्मी है अपनी दृष्टि में पापी नहीं मानते खुद को, उन्हें प्रभु की क्या आवश्यकता। वह तो यह सोचते हैं कि हम तो सारे भले काम करते हैं, धर्म शास्त्रों का भी हमें ज्ञान है, तो हमें प्रभु की क्या आवश्यकता, हम में तो कोई पाप व बुराई है ही नहीं। तो ऐसे मनुष्यों को प्रभु की क्या भूख और प्यास होगी, और प्रभु भी उन्हें क्या समझाए कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है, चाहे वह कितने भी धर्म के काम कर ले, उनके धर्म के काम उनके मैले वस्त्रों को नहीं धो सकते, अर्थात उनके पापों को नहीं धो सकते। मनुष्य के पाप तो केवल प्रभु यीशु ही धो सकते हैं, क्योंकि पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु के ही पास है, और वो ही एकमात्र जरिया है स्वर्ग तक जाने का, दूसरा कोई और नहीं। और यह भी सत्य है कि जो पाप में है, बुराई में है, तथा पाप में ही अपना जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु उनको ही पाप से छुड़ाने व बचाने पृथ्वी पर आया था, क्योंकि पाप मनुष्य में शैतान के द्वारा आता है, और प्रभु शैतान के कार्य को नाश करने ही पृथ्वी पर आया, जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वह शैतान के कार्यों का नाश कर सके। तो यह ही कार्य करने प्रभु आया पृथ्वी पर, पापियों का उद्धार करने, उन्हें मन फिराव की आत्मा देने, जिससे वह शैतान की गुलामी से छूट कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलकर पाप को, बुराई को छोड़ सके, और उसे छोड़ने का ज्ञान व सामर्थ केवल प्रभु यीशु ही उन्हें प्रदान कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि प्रभु की ही संगति बुराई को हटा सकती है, बदल सकती है, उनकी संगति ही छुटकारा देती है, शांति देती है, मन फिराव देती है, तथा उद्धार भी प्रभु यीशु की ही संगति दे सकती है। जैसे मत्ती को प्रभु ने बुलाया और वह प्रभु के पीछे हो लिया और पाप छोड़ा, बुराई छोड़ी, बुरा काम छोड़ा तथा उद्धार प्राप्त किया, और उसके साथ साथ बाकी उसकी संगति करने वाले पापी व चुंगी लेने वालों ने भी प्रभु का ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तथा सच्चाई को जाना और मन फिराया। क्योंकि प्रभु के आने से, उसके हमें बुलाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, और हमें नया जीवन मिलता है, जैसे मत्ती को भी मिला। आप सब तो जानते ही हैं कि यही मत्ती आगे चलकर प्रभु की सेवा काई में उनके चेलों के साथ रहा, और उसने मत्ती की पुस्तक भी लिखी, तथा यहूदा इस्करियोती के चले जाने पर मत्ती ही प्रभु के 12 चेलों में एक गिना भी गया। ऐसे हुआ उसका उद्धार प्रभु के उसे बुलाए जाने पर, और आज हमारा भी हुआ है प्रभु के हमें बुलाए जाने पर। यदि आज भी हम किसी बुराई में या पाप में फंसे हैं, तो प्रभु हमसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और हमें प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलना चाहिए, बुराई से मन फिराना चाहिए, क्योंकि प्रभु की संगति ही हमें बुराई से छुटकारा दे सकती है, हमारे पुराने चाल चलन से छुटकारा दे सकती है, जो शैतान के द्वारा हमें भरमाए जाने से हमें नाश करती है, वह केवल प्रभु यीशु के ही द्वारा हमें आज़ाद कर सकती है। प्रभु यीशु ही एकमात्र जरिया है मेरे प्रियो स्वर्ग जाने का और बुराई पर जीत पाने का। तो जिस प्रकार प्रभु ने मत्तै को बुलाया और उसका जीवन बदल गया, इसी प्रकार प्रभु आज हमें बुलाता है और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोलता है। हमें भी प्रभु के पीछे चलना चाहिए अपने उद्धार को और अपने जीवन को पाने के लिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।